हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं एग्जामपुर पर। तो दोस्तों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे, 2 सेकंड का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन क्या है कि एक व्रत दे रखा है और व्रत के अंदर एक वर्ग दे रखा है, वर्ग वर्ग, और वर्ग 2 भागों में डिवाइड है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए वर्ग के अंदर वर्ग हो और उसमें वर्ग का जो आधा हिस्सा है उसका क्षेत्रफल पूछे, तो बस इस 36 में पाई का भाग दे दो, यही आंसर है भाई। तो व्रत के क्षेत्रफल में पाई का भाग दे दो, स्वाहा, 36/पाई, 36/पाई। कभी भी ऐसा फॉर्मेट दिखे जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। अगर मैं इसके पूरे सॉल्यूशन के साथ जाऊं, ये रहा पूरा सॉल्यूशन इसका, तो जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया वो 36/पाई आया। पूरा सोल्व करने के बाद हमारा तो एक झटके में आंसर आ गया, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो 36 के आगे पाई लगाना है, और वर्ग का पूछे तो 36 का दुगना करके पाई लगा दो, 36 का दुगना कर दो, 72/पाई। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये वर्ग का क्षेत्रफल, गेम खत्म। इस क्वेश्चन को आपको करके बताना है और ऐसी ही ट्रिक के लिए एग्जाम्पल से जुड़े और मेरी सुबह 9 बजे वाली क्लास, धुआं धुआं करने वाली क्लास, सुबह 9 बजे गर्दा गर्दा मचा देंगे। डेली 9 बजे सुबह 9 बजे जुड़िएगा, ऐसे लॉजिकों से नहला दूंगा मेरे प्यारे साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।